दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का एक कड़वा सच, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से 20% व्यक्ति कामयाब है अगर हम मान ले, तो 80% वो व्यक्ति है जो कि नाकामयाब हो गए, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कामयाब से ज्यादा नाकामयाब लोग मार्केट में आपको ज्यादा मिल जाएंगे, और इसीलिए हमें अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को ज्यादा ट्रेंड करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में उससे ज्यादा कैसे व्यक्ति मिलते हैं, नेगेटिव, राइट। अब वो नेगेटिव क्यों हुए, वो नाकामयाब क्यों हुए, उसका क्या रीजन है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज्यादातर व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में असफल है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शुरुआत में 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है, व्यक्ति उस मीटिंग को ही अटेंड करना नहीं चाहता। व्यक्ति शुरुआत के पीरियड में सीखने पर फोकस नहीं करता, सिखाने पर ज्यादा फोकस करता है। आता है 10% और व्यक्ति सिखाने की कोशिश करता है कितना, 100%, राइट। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप 10 से 15 दिन उस कंपनी को केवल सुन ले, उसके लीडरों को सुन ले, बाकी बात की बात है। अब होता क्या है कि व्यक्ति के माइंड में बात होती है, अरे मैं तो वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र है तुम्हारे बराबर का तो मेरा बेटा है, ये बाल मैंने ऐसी सफेद नहीं किए। ऐसे लोग ज्यादातर फेल होते हैं। बहुत सारे तो स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कि कहते हैं, अरे हमें सीखने की क्या जरूरत है, हमने तो MBA किया, हमने BTech किया है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा असफल होते हैं। वो व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद शुरुआत के पीरियड में सीख लेगा, एक बार ज्यादा नहीं, 7 से 8 दिन 10 दिन, हद से हद 15-20 दिन, वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है सफलता उसको धीरे धीरे मिले, तेजी से ना मिले, बट ये गारंटीड है कि व्यक्ति असफल नहीं होगा। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।